हेलो फ्रेंड्स, मैं बाबला। आज हम आए हैं बम्बू रिसोर्ट एंड एटीबी पार्क, जो रंजीत नदी के करीब दार्जिलिंग के अंतर्गत बिजनबड़ी गांव के बहुत ही पास है। अगर आपको चारों तरफ हरियाली और चाय का बागान के बीच कोई शांत वातावरण आके देख सकते हैं, और अगर आप अपना दोस्त या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आपके लिए इससे बेहतर जगह बहुत ही कम है। हरियाली के साथ आपको मिल रहा है पहाड़ से बहता हुआ पानी, जो बहुत ही अच्छा दिखता है। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत ही सुंदर पहाड़ से बहता हुआ पानी निकल रहा है। आपको 5 गेस्ट रूम मिलेगा, जो आप एक देख रहे हैं सामने में, जो पूरा बंबू से बना हुआ है, और आपको इसके सामने में पूरा हरियाली मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे टोटल 5 गेस्ट रूम में से थोड़ा डिस्टेंस में है गेस्ट रूम, बता दे रहे हैं हम कि यहाँ पे एक दूसरा भी बन रहा है, जो यहाँ पे दिख रहा है अभी तक बना नहीं, तो काम चल रहा है इसमें। आप देख सकते हैं इसमें काम चल रहा है अभी तक, शायद 2-4 महीने। यहाँ पे गार्डन बना के रखा है ये लोग, तो बम्बू से यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता बना के रखा है। इधर से हम लोग जा रहे हैं अपना रूम में, जो हम लोग यहाँ पे बुक किए हुए, यहाँ पे जो रूम हम लोग लिया है वहाँ पे हम जा रहे हैं। आपको दिखा रहा है पूरा बम्बू का बना हुआ है ये चीज, बम्बू से बना हुआ है। अब आइए, हम दिखा रहे हैं आपको अपना रूम दिखा रहे हैं। ये हो गया हमारा रूम, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बेड है, एक बेड में 2 जन सो सकते हैं। इससे भी छोटा रूम मिल जाएगा आपको, जो सिंगल बेड का, ये डोमेट्री रूम है इसलिए डबल बेड है। ये देख सकते हैं पूरा ये सब बम्बू का बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है और नीट एंड क्लीन है। छोटा सा है लेकिन अच्छा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कमोड लगा हुआ है, एक नल लगा हुआ है, और यहाँ पे एक बेसिन लगा हुआ है। बस छोटा सा बाथरूम है, गीजर भी लगा हुआ है साथ में। यहाँ का लोग इससे आना जाना करता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पहाड़ का पानी जो आ रहा है, इधर से हमारा पूरा रिसोर्ट भी दिख रहा है, जो हम जो इस रिसोर्ट में हम आए हुए है। अब देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली और हरियाली है। ये जो रूम आप दिख रहे हैं, इस रूम में हम लोग ठहरा है। यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो आप गिटार भी प्ले कर सकते हैं। आपको बुकिंग से पहले पूछ लेना पड़ेगा, आप टेंट आप जहाँ पे लगाना चाहेंगे वहाँ पे लग जाएगा। उसके लिए पूरा काट से बना हुआ है, और डाइनिंग एरिया के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत शानदार एक स्विमिंग पूल है। आप देख सकते हैं भैया बैठे हैं यहाँ पे। आपका रेस्टोरेंट कब बना है? थोड़ा
फिर से बोल दीजिए। ये लगभग 2015 और 16 के लगभग। आपका मुझसे ये बंद कब होता है? बंद तो ज्यादातर नहीं होता है, वैसे हॉलीडे दशहरा और दिवाली पे थोड़ा छोड़ा। मतलब हर टाइम आपका यहाँ पे कस्टमर अवेलेबल होता है, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो कुछ है नहीं? प्रॉब्लम वगैरह सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस तो आप लोग को पता ही होगा। नहीं वो तो है ही, हमको पता है बोल के हम आए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका यहाँ का बुकिंग के लिए जो नंबर चाहिए, वहाँ पे व्यूअर्स लोग देख रहे हैं, आप नंबर अपना बता दीजिए ताकि उन लोगों को बुकिंग करने में सुविधा हो। हमारे यहाँ पर दो नंबर है, एक दीदी और भैया का, उनके नंबर से आ सकते हैं। एक का नंबर है 8597735361, वो भैया का है, और 8588272801 वो दीदी का है। इस पर नंबर से भी कॉल करके आप बुकिंग कर सकते हैं। एक टैक्सी लेना होगा, टैक्सी से लगभग यहाँ का डिस्टेंस 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर है, वहाँ से यहाँ का 12400 तक लग जाएगा आपको। जिनबारी मेन टाउन से कोई भी मिल जाएगा आपको गाड़ी रिजर्व करने पर। तो आप लोग सुन लिए, बिजनबाड़ी से आने के लिए आपको टैक्सी भाड़ा करना पड़ेगा, और दूसरा चीज है आप अगर बाइक लेके आते हैं, खुद का कार लेके आते हैं, तो आपको लोकेशन में मिल जाएगा ये रिसोर्ट। एक डेढ़ महीने पहले से ही बुकिंग करे तो अच्छा होगा। मतलब एक डेढ़ महीना पहले से आपके इधर रिजर्व रहता है, तो एक डेढ़ महीना पहले फोन करके आपके इधर बुकिंग करना पड़ेगा, नहीं तो रूम मिलना मुश्किल है। कम बजट में रूम चाहिए तो कम बजट में आपको रूम मिलेगा, लेकिन कॉमन बाथरूम आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, आपको अगर मास्टर बेडरूम चाहिए होगा तो आप मास्टर बेडरूम के लिए भी रूम बुक कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये मास्टर बेडरूम वाला रूम है, कॉस्ट थोड़ा सा ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे दूसरा एक बैठने के लिए जगह मिल रहा है, जहाँ पे आप डाइनिंग भी कर सकते हैं। आपको वहाँ पे एक दिखाया सामने में, ये एक दूसरा है, यहाँ पे भी आपको आराम से बैठ के आराम से आप खाना खा सकते हैं। बगल में आपको पूरा झरना मिलेगा, झरना का पानी सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। बड़ा फैमिली लेके बैठ के डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और दूसरा चीज, इसी के साथ में आपको पहले एक स्विमिंग पूल हम दिखाए हैं, इसी के साथ में एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं, आप पहला झरना वाला पानी देख लीजिए, थोड़ा देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, अभी गंदा हुआ पड़ा है क्योंकि यहाँ पे अभी ये सब जो रूम आपको दिखाई है अभी खाली है, इसमें कोई गेस्ट है नहीं, तो इसलिए ये लोग पानी नहीं डाला है। तो अभी पत्ता, ये सब पेड़ का पत्ता वत्ता गिर के गंदा होकर रखा है, अगर कोई गेस्ट आ गया तो इधर में पानी भर जाएगा, वो लोग भर देगा पानी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये स्विमिंग पूल पूरा खाली है, आप देख सकते हैं। ये छोटा स्विमिंग पूल है, सामने में आपको बड़ा स्विमिंग पूल मिल रहा है। और बाकी रहा तीन रूम, ये है आपका तीन रूम जो मास्टर बेडरूम है, ये आप देख सकते हैं, एक दो ये तीन, ये तीन रूम यहाँ पे है। टोटल 5 रूम है, जो आपको हम पहले ही बोले थे कि 5 रूम है। कभी भी शाम का टाइम, रात का टाइम आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। रूम का साथ में आपको बेल्कोनी मिल रहा है बहुत शानदार सा, यहाँ पे खिड़की भी आपको, मतलब आप कभी भी रूम के अंदर से बाहर का मजा लेना चाहते तो वो भी आप ले सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे खिड़की भी खुला है, आप देख सकते हैं 2 बेड है, आराम से आप इधर से बाहर का नजारा ले सकते हैं। दोनों साइड का पहाड़ है, पहाड़ का भी मजा ले सकते हैं आप। ऊपर का देखिए पूरा बम्बू से बना हुआ है, कितना शानदार, बहुत ही अच्छा है।